फिरोजाबाद जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के कार्यकर्ता। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के सदस्यों ने फिरोजाबाद जिला अधिकारी को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने किसानों की 6 समस्याओं को रखा और इनके निराकरण करने की सिफारिश की। साथ ही ज्ञापन सौंपने आए यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो यूनियन द्वारा प्रदेश और देश में धरना प्रदर्शन कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि इस लॉकडाउन में किसानों का बहुत बड़ा सहयोग रहा। उनकी प्रमुखता समस्याएं बाजरे की उचित मूल्य का ना मिलना, बिजली का ना मिलना, बढ़ती हुई डीजल की कीमतों का बोझ, नहरों में पानी का ना आना आदि। ज्ञापन सौंपते समय किशोरी पचौरी राष्ट्रीय सचिव निकुंज ठाकुर, जिला अध्यक्ष अनुज प्रताप, युवा जिलाध्यक्ष शशांक, प्रदेश महासचिव निर्मल गुप्ता सहित कई भारतीय किसान यूनियन के सदस्य एवं पदाधिकारी रहे मौजूद। यूनियन लोक शक्ति के नेतृत्व में हम राष्ट्रीय, प्रदेशीय, मंडलीय, जिला स्तरीय सभी पदाधिकारी, जिलाधिकारी फिरोजाबाद महोदय को ज्ञापन देने आए हैं किसानों की समस्या हुई। किसानों की जैसे कि बिजली नहीं आ रही, 8 से 10 घंटे बिजली आ रही है। कोरोना की महामारी चली रही है, आप देख ही रहे हैं मीडिया बंदी सभी, इसमें बिजली नहीं मिल रही, नहरों में पानी नहीं आ रहा, समस्याएं इतनी भयंकर होती जा रही हैं। बाजरा की मूल क्रय विक्रय पर नहीं मिल रहा सही समय पर हमें, रेट सरकारी 2221 से चल रही है, 1100 में लिया जा रहा है। खुलेआम क्रय विक्रय को बिल्कुल समय पर बंद कर दिया जाता है। हम टूडला में भी हमारे वहाँ पड़ता है, कई जगह की समस्याएं थी, इसलिए हम माननीय राज्यपाल महोदय के लिए यहाँ पर संबोधित करने जिलाधिकारी फिरोजाबाद के लिए आए थे। नहरों में पानी कई बार कह चुके हैं नहीं आ रहा है, हम इस बार अपना ज्ञापन दे रहे हैं, इसके बाद धरने पर बैठेंगे। सभी जिले पर, प्रदेश में हर जिले पर मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन होगा, एक डेट निश्चित होगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश होगा उसी निर्देश पर हम कार्य करें। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति, मैं डीएम साहब के मुख्यालय पर आज ज्ञापन सौंपने आए हुए हैं सभी हमारे पदाधिकारी महोदय के। हमारी कुछ 10-12 सूत्री मांगों हैं, उन मांगों का जल्द से जल्द निवारण नहीं किया जाता है तो भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति पूरे देश और प्रदेश में आंदोलन करेगी। इसकी जिम्मेदारी शासन व प्रशासन को होगी। बिजली ट्यूबवेलों की बिजली है वो 5-7 घंटे चल रही है, वो लाइन 10 घंटे की जगह 24 घंटे कंटिन्यू चलनी चाहिए और उनका जितने भी नलकूप हैं उनका बिजली बिल बिल्कुल माफ़ होना चाहिए पूर्णतः। और बिजली के ये कनेक्शन खोले गए उनकी सामग्री एक एक साल की, उनकी सिक्योरिटी पैसे जमा हो चुके हैं, एक एक साल हो गई है किसानों की, वो कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं मगर अब तक उन्हें सामग्री कोई भी पर नहीं मिली है ये चीज़। और जितने भी क्रय केंद्र हैं बाजरा गेहूं ये चीज़ें हैं, किसानों की आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो गई है, बाजरा का 2175 रुपये का रेट है और उन्हें मिल रहा है, बिचौलिया लूट कर रहे हैं, 1100-1200 रुपये खरीद रहे हैं, ये कहां सरकारें सो रही हैं। किसान वैसे तो कहते हैं किसान अन्नदाता है, कहां से अन्नदाता, क्यों ये फिर ये चूसा जाता है, इसकी कोई सुनवाई कर रहा है कोई सरकार का? आज तक कोई सरकार किसानों के प्रति उभर के आई है? होना क्या है किसानों के लिए? इस लॉकडाउन के प्रति कौन क्या लेने गया? सिर्फ किसान के पास भाजे, दूध चाहिए, दही चाहिए, मट्ठा चाहिए, अनाज चाहिए, कौन आया लेने? कुछ सब किसानों के पास ही तो लगे, कहाँ गए टाटा जैसे अंबानी लेने कुछ चीज़ें? कहाँ रहे, कहाँ देख रही है सरकार किसानों के बारे में? किसान दुखी है बहुत, ये डीजल देखो, सबसे ज़्यादा डीजल की किसान को जरूरत पड़ती है, अपने इंजन चलाएगा, ट्यूबवेल चलाएगा, खेत की जुताई करेगा, सब चीज़ करेगा, तो किसानों के डीजल के भाव 80 रुपये प्रति लीटर पहुँचा दिए, 72-73 रुपये डीजल लीटर ले रहा है किसान, धानों के लिए अपने हाथों से पटलिंग कर रहा है, ट्रैक्टर नहीं चला पा रहा है किसान, क्यों इन किसानों को चूसा जा रहा है? ये किसान नहीं रहेगा तो सरकारें रोड पर आके गिर पड़ेंगी, भुखमरी फैल जाएगी इस किसानों के प्रति। मैं इसलिए अपनी सरकार से, तो आपके चैनल के माध्यम से आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं, इन किसानों का जल्द से जल्द कुछ निराकार किया जाए, अन्यथा भारतीय किसान यूनियन एक हफ्ते के अंदर पूरे देश और प्रदेश में जन आंदोलन करेगी, इसकी शासन और प्रशासन की फुल जिम्मेदार होगी। जय जवान जय किसान, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जिंदाबाद।